इसलिए हैं कहते ऐसे ही एक बार क्या हुआ, सुना मैं जितना कथा सुना तो सब कथा को याद करना, ऐसे नहीं इधर सुने और उधर निकाल कर चले गए, नहीं, सबके सब जो कथा सुनाता हूं आप भी याद रखना, तुम्हारी अड़ोसी पड़ोसी मित्रों को भी भगवान की कथा सुनाना, उनको भी भक्ति को उपदेश दो, भैया तुम भी ठाकुर का माला जप करो, तुम भी भगवान की भक्ति करो, है तुम भी भक्ति करो, ठीक है ना, क्योंकि तभी हम ऋणी से उऋणी बन सकते हैं, ऋणी से उऋणी बन सकते हैं, इसलिए सब कथा को याद करना। और जब मैं दूसरा बार आऊंगा ना, देखूंगा तुम लोग कम से कम एक एक व्यक्ति को कथा सुना करके एक एक व्यक्ति को भक्त बनाएंगे, ठीक है, कौन कौन बनाएगा, अगले बार जब आप कम से कम एक एक व्यक्ति को तो प्रभु का भजन में लगा, कम से कम एक एक व्यक्ति को है, ठीक है, मैं देखूंगा अगली बार। अभी हम एक गांव में गए थे, कल कौन सा गांव गए थे, वहां पर जाकर के हम दिल खुश हो गया, इतने भक्त हरिनाम लिए, गोपाल मंत्र लिए, माला लिए, इतने भक्त वहां पर, अभी वहां भागवत कथा होने का था, हैं, इसलिए कहती है सरिता दीदी प्रचार करती है, कथा बोलती है, वहां पर देख कर तो मैंने खुश हो गया, बोले इतने सारे भक्त है, कीर्तन हरिनाम तिलक घंटी माला, इसलिए अब भी ये मत समझो हम भी सरिता दीदी नहीं बन सकते, बन सकते हो, लेकिन अगर कथा को ठीक से सुनोगे ध्यान से, फिर कथा को सुनाओगे ना, तुम लोग को लगता है बहुत जानती हो, लेकिन बोलते नहीं, इसलिए आपको बोलना नहीं आता है, इसलिए बोलते बोलते ही वक्ता बन जाते हैं, बोलते बोलते ही वक्ता बन जाते हैं, इसलिए हर कथा को याद करना। अभी एक मैं स्टोरी सुनाऊंगा, उसको बाद में तेरे पूछूंगा किसको याद है, और जो नहीं बोल पाएगा ना खड़े कर दूंगा। देखो एक समय ध्यान देकर सुना, देखो हम आज क्यों ये गुरु पूर्णिमा में यहाँ पर आए हैं, इसका क्या कारण है, देखो इसलिए एक समय कोई एक राजा था, लेकिन उसके घर में कोई औलाद नहीं, इसलिए राजा बड़ा दुखी, बड़े दुखी राजा। एक दिन कोई एक संत आए, बोले महाराज ठीक ठाक हो, बोले क्या ठीक ठाक, घर में कोई संतान नहीं, भविष्य में राजगति को कौन संभालेगा, बड़ी सोच में पड़ा हुआ है, बड़े सोच में पड़ा हुआ। तब संत ने बोले बेटा चिंता मत कर, तुम्हें तुमके एक औलाद देता है, इसलिए संत के आशीर्वाद से उसको घर में एक सुंदर बच्चा जन्म लिया। लेकिन जब बच्चा थोड़ी सी हुआ ना, किसी गुंडे बदमाशियों ने पैसा लोभ से बच्चे को किडनैप कर लिया, बच्चे को चुरा करके ले गया, अपहरण कर लिया। कुछ दिन बाद में फिर साधु पहुंचे, बोले ठीक ठाक हो, बोले बाबा क्या ठीक ठाक है, हमका आशीर्वाद से एक औलाद मिला, पता नहीं वो कोई किडनैप हो गया, कोई किडनैप हो गया, किसी ने उसको उठा करके ले लिया, हम तो दुख का कोई सीमा नहीं। लेकिन राजा बड़े जो संत वो बड़े पहुंचे हुए संत थे, उन्हें ध्यान लगाया, बच्चा गया था, ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया, बोले बेटा तेरे बेटा ठीक ठाक है, बोले जिंदा है, बोले जिंदा भी और ठीक ठाक भी, बोले बताओ कहां पर मेरे बेटा, बताओ अभी जाकर के, मैं राजा है ना, मैं अभी ले आता हूँ, बोले बीच में गड़बड़ी अभी हुआ, बोले क्या गड़बड़ी, जब उसको गुंडा लोगों ने पकड़ करके ले गया था, वो था बच्चा, उसको इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब धीरे 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 बड़ा हुआ ना, अभी वो ज्ञान हुआ, लेकिन जो असली जो पिता माता उसको राजा और रानी वो भूल गया, वो तुमको अभी पिता माता नहीं बोलेगा, वो बोलता जो गुंडे उठा कर ले गया था ना, वो कह रहे वही मेरे पिता माता, और एक छोटी झोपड़ी में रहता है, वो कहता है ये मेरे घर है, वो भूल गया असली पिता माता क्या, बोले फिर अगर बोलोगे मैं जाकर उसको समझाऊं असलियत में तेरे असली पिता माता कौन है, अगर वो समझ जाएगा असलियत में उसको पिता माता कौन है, फिर उसको ले आना, फिर तेरे को मानेगा, बोले बाबा आपकी बड़ी दया होगी, मेरे बच्चे को वापस ले आओ फिर। तो वो संत गए, संत गए तो उसको देखा आके, बोले बेटा इधर आ, बोले तेरे घर कहाँ है, वो जो छोटी सी झोपड़ी था ना, बोले ये मेरे घर है, बोले तेरे पिता माता कौन, जो गुंडे था ना किडनैप करके, बोले ये मेरे पिता माता। इतने में संत समझा, बोले देख बेटा ये तेरे घर भी नहीं है, ये तेरे कोई पिता माता भी कोई तेरे नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, मैं बचपन में से देख रहा हूँ, बचपन से इनको ही देख रहा हूँ, बोले इसलिए तो मैं तुमको बता रहा हूँ, बोले देख इसी देश का जो राजा और रानी ये तेरे पिता माता, जो राज महल तेरा घर है, अभी तेरे नसीब में सूखे रोटी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन रोज छप्पन भोग छत्रीस व्यंजन खाने वाले, तुम्हारे घर में हजार हजार नौकर लगे हुए, और तेरे यहाँ नसीब में रोटी के टुकड़ा नहीं मिल रहे, और ये झोपड़ी से तुम रह रहे हैं। देख बच्चा, जैसे आप कभी कभी देखना, जैसे पिता माता होता ना बच्चे को रूप में, कभी माँ की रूप मिलता है,
कभी बच्चे में देखना पिताजी का कभी कभी रूप मिलता है, देखना कभी कभी पिता माता दोनों का चेहरा बच्चे में आता है, आता कि नहीं? हम कभी कभी कहते ना देखो बच्चे में इसकी माँ की चेहरा है, बोलते ना देखो इसके बच्चे में सिर्फ बाप की चेहरा, कभी कभी बोलते कि नहीं है? इसलिए तू देख कितने लंबे चौड़े घोड़े कितने देखने में सुंदर है, और तू जिसको अपना पिता माता कह रहे हो तू देख ले तेरे चेहरा से मिलता है इसका चेहरा? अभी तुम मिलाओ राजा रानी को साथ में तुम अपना चेहरा मिला, मिलता कि नहीं? लेकिन उसको दिमाग में तो ये बात कभी आई नहीं, लेकिन जब संत ने समझाया अरे बोल आप तो सही बता रहे हो, इनके साथ में मेरा तो चेहरा कुछ भी नहीं मिल रहा, मेरे चेहरे तो राजा रानी से ही, मेरा चेहरा राजा रानी से मिलता है, हैं? बोले बेटा एक दिन देश का तू राजा बनने वाला हो, देश का राजा बनने वाले हो, ये बचपन से तेरे को किडनैप किए हैं और छुपा करके तेरे को ले आए। बोले घर में जाओगे? घर में जाओगे? बोले आपका तो बड़ी कृपा होगी। बोले ठीक है मैं व्यवस्था करता हूं। फिर संत आए राजा को समझाया, बोले तेरे बेटे को हम सारी बात समझा करके आ गए, अभी तू जा चारी तरफ में सैनिक को घेराव करो, जो गुंडे बदमाशियों को मार मार कर जेल में बंद करो और अपना बच्चे को बाबा से ले आओ। जब उसने अपना बच्चे को बाबा से लाए, राज महल इसका घर, हजार हजार नौकर काम कर रहे हैं, राजा रानी जिसकी पिता माता, एक दिन देश का वो राजा, एक दिन देश का ये राजा ही है, रोज छापान भोग छतरी से बैठने खाने वाले, लेकिन सुखे रोटी भी उसको नसीब में नहीं जुटता था। एक घर में आया ना बस आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। देखो कि उसी तरह जो हम है ना, हमारी असली पिता माता कौन है? इसलिए हम कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम। भगवान कृष्ण ही हमारी असली पिता माता भाई बंधु है, वही हमारे सब कुछ है। लेकिन किसको पूछो, कोई बोलेगा हमारे कृष्ण पिता माता? बोलेगा ये मेरी माँ, ये मेरे बाप, ये मेरी कसम, ये मेरी पत्नी, ये मेरी, हम सारे दुनिया की बात बोलेगी। लेकिन असली रूप में जो भगवान है हमारे, उसका कोई परिचय हम नहीं देते, इसलिए। लेकिन भगवान कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो ब्रह्मा क्या कहते हैं, बोले चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लख्या प्रित सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम से पमानम गोविंदम मादि पुरुषम तमाम भजम। ये ब्रह्मा कह रहे हैं, बोले भगवान कहाँ रहते हैं? बोले गोलोक वृंदावन में। बोले वहां कैसे स्थिति है, हैं? उनका स्थिति कैसे? बोले चिंतामणि, वहां जो भूमि है ना चिंतामणि, चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगो वही मिलेगा। जितने वृक्ष कैसे? बोले कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष मतलब क्या, जहां वृक्ष को नीचे बैठ करके जो सोचोगे ना इच्छा पूरी हो जाएगी। कहते वहां का पानी कैसे? बोले पानी नहीं, बोले त्वयम मृतम, वो पानी अमृत है। अगर वहां पर कोई बात कहते हैं ना लगन बात नहीं, बड़ी सुंदर सुलली कंठ से जैसे कोई भजन गा रही, अगर वहां कोई चलता है ना वो लगेगा नहीं कोई चलता, लगेगा बड़े सुंदर नाच रहा है, बड़े सुंदर नाच रहे हैं। जहां पर कोई बूढ़ा नहीं होगा, कहीं बुरी नहीं होगी। अब देखो भगवान की तस्वीर के, देखो कृष्ण का राम का, कभी बूढ़ा रूप देखता हो ठाकुर में? कभी भगवान बूढ़े नहीं होते। वहां पर जो कृष्ण की सखियां गोप, वो कोई बूढ़ी नहीं, कोई 11 साल की, कोई 12 साल की, 13 साल की, 14 साल से ऊपर वहां पर कोई होते ही नहीं, वहां पर कोई नहीं होते, 14 साल से ऊपर कोई नहीं होते, कोई बूढ़ा बूढ़ी कोई वहां नहीं होते। कृष्ण का सखाल ग्वाल बाल सखा सखी हर समय नित्य स्वरूप में रहते हैं। वहां हमारी घर है जहां पर रोग शोक दुख कष्ट कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर उल्टा सब रोग शोक दुख कष्ट। अभी कोरोना आया था, कितना लोग चले, कितने लोग करुणा में चले गए हैं। इसलिए हमारी घर कहाँ पर है? ठाकुर जी के चरण में हमारी घर है। लेकिन अभी हम भूल गए, भूल करके संसार में आकर के तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, पड़ोसी से दुखी, काम से दुखी, बेटा से दुखी, बहू से दुखी, दुखी 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 संसार। लेकिन हम किसके पुत्र है? अरे बोलो ठीक से, ठाकुर जी के पुत्र। लेकिन भगवान को भूलने का वजह से संसार में दुख कष्ट पा रहे, तो हमारे पिता कौन हो गए? कृष्ण हो गए, कृष्ण हो गए। अगर हम दुखी रहेंगे तो भगवान कभी सुखी रह सकते हैं? सुखी नहीं रह सकते हैं। भगवान अगर बच्चे अगर सुखी तो पिता माता सुखी। इसलिए भगवान सोचते हैं, अभी जो मैंने कहानी सुनाया किसको याद हो गया बोलो तो, हाँ तो कौन ये कथा को सुन सकते हैं?
किसी न किसको याद हो गया ये कथा, हाथ उठा सो गए सब। कोई कोई एक बार खड़े होकर के मेरे को दो बार बोल सकता है कथा? नहीं, मैंने जो कथा सुनाई, मैंने जो कहानी सुनाई, सच्चा सच तो बोलते, मेरे को पता है, मेरे को सबको पता है। कि देखो इधर सुनो, ध्यान देकर सुनो, इधर सुनो, ध्यान देकर सुनो, इधर सुना। देखो वही व्यक्ति ये कथा सुन करके सुना सकता है जो हर समय ठाकुर की कथा सुनाता है। आप देखना जब संसार में लड़ाई झगड़ा होता होगा, देख लेना, पीछे बात मत करना, इधर ध्यान से। अब देखना घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, 10-20 साल का बाप पुरानी बात को याद कराते हैं, तुमने मेरे पैसे किया था, तुमने ये किया था, तुमने 10-20 साल की बात। क्यों? हम संसार का बात बोलते रहते हैं, दुनियादारी की बात बोलते हैं, इसलिए हमारी आदत है। अभी जो कृष्ण कथा सुनाता है ना, उसको सब चीज याद हो जाता है, बोल सकता है। लेकिन हम दुनिया की कथा बोलते हैं, दुनिया की बात तो बोल सकते हैं, लेकिन ठाकुर का बात मुंह से नहीं निकलता है। क्यों? ठाकुर की बात ही नहीं बोलते। और जो दुनिया की बात में ना दुख है, अब बैठ जाओ, कुछ माता ही बैठ जाओ, बैठ कर गप्पे मारो, पूछो कैसे, बोले हमारे घर में सास के साथ में बनती नहीं। कोई बोलेगा जब से बेटा आ गया तब से बहू आ गई घर में अशांति, कोई बोलेगा ससुर से बनती नहीं, कोई बोले अब बैठ जाओ आधा घंटा एक घंटा कथा अपना संसार के बाद सर दर्द हो जाएगा सुन सुन कर। लेकिन कुछ समय आप बैठ कर हरि चर्चा करो, हरि की चर्चा करो, मन प्रसन्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हरि चर्चा हो रही है, जब जाओगे ना दिल खुश होकर कर जाओ, खुश होकर। क्यों? प्रभु की कथा में आनंद है, प्रभु की कथा में आनंद है, प्रभु की कथा में। उसी तरह जब प्रभु की जब कथा सुनाओगे वो आनंद ही आनंद है, जब दुनिया की कथा सुनेंगे दुख ही दुख है। इसलिए आदत क्या डालो, आप लोग एक एक सरिता नहीं बन जाओ। अब देखना ना तुम्हारी जो गुजरते का बार बार मैं सरिता की बात बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग भी ऐसे बनो, ठीक है ना। कोई कोई गुजर समाज में कोई कुछ लिखे बड़े भी है, लिखे बड़े भी है। अभी ये लिखे बड़े को अभी भक्ति में लगाओ ना, भजन में लगाओ, भगवान की कथा में लगाओ, देखना पूरा तुम्हारी जो गुजर समाज है, तुम्हारी जो गुजर वंश है, सबके सब कृष्ण भक्त बन जाएंगे, है सबके सब भक्त बन जाएंगे सबके सब। इसलिए कौन बोल सकता है, अभी जो मैंने स्टोरी सुनाई, अभी मैंने जो स्टोरी सुनाई, कौन बोल सकता है? बोलो माता जी, बोलो। ये माता के लिए ताली हो जाओ, कम से कम मैया का हाथ उठाए, मैं बोल सकती हूँ। हाँ इधर इधर आ जाओ, बहुत अच्छी। देखो माता जी ने साहस किया ना ठाकुर को कथा सुनाने के लिए। हाँ बोलो, बोलो वैसे बोलो। हाँ बोलो, बहुत अच्छी बात। देखो अगली बार जब भागवत हुई ना, मैया ने अपना घर में हमें इधर सुना, जब अगली बार कथा हुई, भैया ने अपना घर में हमको स्थान दिया, उनके घर में हम खूब रहे, खूब रोज रोज कीर्तन कथा रोज रोज करते थे माता जी घर में रह करके। मेरे मतलब बोलो बोलो बोलो। एक बच्चा था गुरु जी, वो बहुत अच्छे परिवार से पैदा हुआ, राजा के घर में। सुना, समझो तुम कथा सुना रहे हो, बोलो कर लेते। सुना सुना जो जितना संकट में, नहीं बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। उसे चोर गुंडे पकड़ ले जाते, अब बच्चे का लालन पालन उसी झोपड़ी में होता है छोटी, और होता है वो राज परिवार से। लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या था कि जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसकी कुछ बुद्धि उतनी काम नहीं करती, वो बड़ा होता है जिसको देखता है उसी को अपने माँ बाप समझने लगता, तो इसलिए वो चोर डाकुओं को अपना माँ बाप समझने लगे। अब राजा ने सोचा कोई ऋषि आए थे उनको जो आशीर्वाद दिए जिनकी वजह से वो बच्चा पैदा हुआ। दोबारा ऋषि आते हैं तो वो बोलते हैं कि सब ठीक है, वो तो अरे जो आपके आशीर्वाद से संतान पैदा हुई थी वो तो चोरी हो गई, अब वो हमें कहीं भी नहीं मिल रही है, कहाँ गई। वो साधु अपना ध्यान लगाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं पूरे ब्रह्मांड में कि उनका बच्चा कहाँ है, सुरक्षित है, मर गया या नहीं। तो जी वो बोले तुम्हारा बच्चा ठीक ठाक है, स्वस्थ है बिल्कुल, और मिल जाएगा। लेकिन वो बोले बताओ, हम बहुत राजा आदमी है, बल दल के साथ उसे जाकर ले आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा वो बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि वो उनको अपना माँ बाप समझने लगा। उसके बाद वो संत कहते हैं कि पहले मैं उसे जाके समझाऊंगा। तो बच्चे को बुलाते हैं कि बेटा ऐसी बात है कि जहाँ तू रह रहा है ये तेरे माँ बाप नहीं है। वो कहता क्यों, मैं तो इन्हीं को देखता आ रहा हूँ पहले से, यही मेरे माँ बाप। तो जी उन्होंने वो
बच्चे के दिमाग में वो डालता है, देखो इनसे ना तो तेरा चेहरा मिलता कि या तो बच्चा माँ को जाता है या पिता को जाता, उनसे उनका फेस मिलता है। एक बच्चे में कोई भी दो गुण होते हैं, या तो माँ को जाएगा या बाप को जाएगा या दोनों को जाएगा। अब उनके साथ ही वो बच्चे को समझाते हैं कि अगर छोटा घर नहीं है तो इनसे चेहरा मिलता है, राजा को दिखाता है कि ये राजा रानी तेरे माँ बाप, देखो इनसे तेरा चेहरा मिलता है, तू गोरा चिट्टा या काले गरीब। तो जी वो उसकी दिमाग को श्राप करते हैं, समझाते हैं, उसकी बुद्धि पढ़ते हैं, फिर वो राजा को उसको विश्वास दिलाते हैं तेरा तो बहुत बड़ा घर है, एक दिन तू होने वाला राजा। फिर वो राजा को आके बताते हैं कि भाई तेरा बेटा हमने उसका माइंड जो है सुबह गुरु माइंड वॉश कर दिया, हमने वो समझा दिया। अब वो राजा जाके दलबल से पहले उनको घेर घोर करते हैं कि डाकू भी क्यों दे, उसने पाड़ा था वो तो अपना बच्चा समझ के लाया। वो दलबल के साथ पहले उनको मारते हैं, जेलों में पटकते हैं, बंदिश बनाते हैं, तब वो बच्चे को लेकर फिर वो आगे देखा। ऐसे ही ना कथा को सुनाया करो, तुम बताओ बहुत अच्छी बात है। लेकिन तूने कम से कम तूने साहस की है, तूने साहस की है ठाकुर जी कथा को बोलने की, बहुत बड़ी चीज है। पहले बार हरे कृष्णा। हाँ इसलिए सुना कि कथा सभी याद हो गई, दो बार सुन लिया याद हो गया। अब मैं जब अगली बार आऊंगा मैं देखूंगा एक एक व्यक्ति, कम से कम एक एक व्यक्ति को सुधारते हुए मैं देखना चाहता हूं। जब अगली बार आऊंगा एक कम से कम एक एक व्यक्ति को अपने सुधारे, ठीक है? कौन सुधारेगा बोलो, हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। हाँ देखो देखो और एक चीज समझो प्रभु जी, अब बैठ जाओ मेरे सामने आ जाओ, आप मेरे पास में आ जाओ। हाँ देखो और एक चीज समझो। हाँ ध्यान देकर सुनो। हाँ देखो, तब भी हम किसी व्यक्ति को सुधार सकते हैं जब स्वयं सुधरेंगे। जब तक स्वयं नहीं सुधरेंगे हम दूसरों को सुधार नहीं सकते। देखो एक समय, और एक छोटी कथा सुनो, एक समय कोई एक छोटा बच्चा खूब गुड़ खाता था, खाने का लिमिटेड होता है, खाते खाते इतनी खाना शुरू कर दिया उसको तो बीमारी बढ़ना शुरू हो गया। वो पिता माता बड़े समझाए करते थे, बेटा इतना गुड़ मत खाया, खाओ मीठा अच्छी बात है लेकिन दूध को साथ में जितना खाना तो खाओ, इतना खा रहे दिन भर खाते जा रहे हो और धीरे धीरे तेरा शरीर खराब हो रहा है। पिता माता का बात सुने ही नहीं। जब सुने ही नहीं तब उन्होंने एक साधु के पास में ले गया, बोले बाबा थोड़ी इसको समझाओ, ये ज्यादा गुड़ नहीं खाया करे। तब संत ने कहा 7 दिन बाद में आया। तब उनने फिर 7 दिन बाद में गया, जब गया बोले गुरुजी बता दो ये गुड़ ज्यादा नहीं खाए। तो गुरुजी ने समझा, देख बेटा गुड़ ज्यादा मत खाया करो, हैं गुड़ खाने से तबियत खराब हो जाएगा। जब समझाए वो जो इसको पिता लाए थे, बोले गुरुजी जब 7 दिन पहले मैं लाया था उसी समय तो आप कुछ बोले ही नहीं, बोले 7 दिन बाद में आओ क्यों बोले। बोले बेटा उसी समय मैं भी ज्यादा गुड़ खाता था इसलिए अगर मैं इसको ऊपर बोलता ना इसको ऊपर असर नहीं करता, क्यों मैं स्वयं अपना जीवन में आचरण नहीं करता हूं। इसलिए किसका बात पे प्रभाव पड़ेगा, उसकी बात में प्रभाव पड़ेगा जो अपना जीवन में सचमुच से निष्कपट होकर के जो प्रभु की भक्ति करते हैं, गले में कंठ धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, हरिनाम को ठीक से करते हैं, भजन करते हैं, देखना उसकी बात ज्यादा प्रभाव उसी की पड़ेगा। अगर तुम खुद नहीं करते हो हरिनाम, बच्चे को बोले माला कर, बच्चे सुनेगा तुम्हारी बात, खुद तो तुम करते ही नहीं, बच्चे को देख कर तो सीखेगा ना। अगर मैया दिन भर स्मार्टफोन लेकर पड़ी हुई, बच्चे को बोले तू पढ़ स्मार्टफोन को व्यवहार मत करो, बच्चा सुनेगा तुम्हारी बात, बोले तू तो दिन भर स्मार्टफोन लेकर दिन भर पड़ी हुई हो और हमें कह दो मत देखा करो। इसलिए पहले को खुद करना पड़ेगा, जब करोगे फिर तुम्हारी बात में दूसरों के ऊपर में प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए पहले क्या करो, गले में कंठी धारण करो, तिलक लगाओ, हरिनाम करो, ठाकुर का सेवा पूजा ठीक से करो। जब करोगे तुम्हारे अंदर में ये शक्ति आएगी, जब ये शक्ति आएगी फिर तुम जो अगर किसी दूसरों को बोलोगे ना
उसको घर में जाकर के फिर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कृष्ण गीता में एक श्लोक कहते हैं, देखो कहते आचार्य को नहीं, कहते आचिनोति जह शास्त्रार्थे आचार्य स्थापय तभी स्वयं आचरत जस्मात आचार्यस्ते न कृतम। भगवान कहते अर्जुन आचार्य कौन है, बोले स्वयं जो अपना जीवन में आचरण पहले करते हैं फिर उसको बाद में जो प्रचार करते हैं, हैं? कहते उसको आचार्य कहते हैं। अगर खुद हरिनाम नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, दूसरों को बोले भजन कर भजन करो, वो सुनेगा नहीं, तुम्हारी कथा भी उसको पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले खुद को आचरण करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब पहले भगवान की भक्ति ठीक से करो, हरिनाम ठीक से करो, ठाकुर की सेवा पूजा ठीक से करो, भगवान की भक्ति करो, फिर देखना तुम्हारी बाड़ी में भी प्रभाव पड़ने लग जाएगा। हाँ देखो हम लोग ये कथा क्यों सुने, हम जो क्यों सुने, सुने क्यों, इसलिए सुने पहले जो माता जी कथा सुनाए इसलिए सुने। अभी हम भगवान की संतान, भगवान की औलाद है, लेकिन भगवान को भूलने का वजह से संसार में आए और आकर के तरह तरह का दुख कष्ट और जन्म मृत्यु का चक्कर में हम पड़े हुए। हम भगवान हमारे पिता है, जब पिता वो हमारे दुख को देख रहे, भगवान हम जितने दुखी है ना, हमसे हमारा पिता भगवान उससे ज्यादा दुखी है। शास्त्र में बताया जब एक जीव भगवान से विमुख होकर भूल करके जब ये संसार में जाता है, जब दुख कष्ट भोग करता है, भगवान स्वयं रो रो कर उसको पीछे पीछे चलते हैं, बेटा एक बार मेरे तरफ में देख ले बेटा, तू तो मेरे तरफ में दिखना ही नहीं चाह रहे हो, क्योंकि तुम साधारण घर के बच्चा नहीं हो, तेरे पिता अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, सारा दुनिया की। इसलिए शास्त्र ने बताया जिनकी एक एक लोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान, जिनकी एक एक लोम कूप में वो भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, हम उनकी औलाद, हम साधारण घर के बच्चे नहीं। लेकिन अभी अपना संपत्ति को हम भूल बैठे हैं, हमारी असली घर का असली पिता माता कौन, असली कौन है, हम भूल कर बैठेंगे। इसलिए भगवान सोचते हैं फिर इनका कल्याण कैसे हो, ठाकुर सोचते हैं कल्याण कैसे हो। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इसी जगत में कभी कृष्ण स्वयं आ जाते हैं, नहीं तो कभी भगवान राम स्वयं आ जाते हैं, और जब नहीं आ पाते ना, कोई एक विशेष जीव को उन्होंने जगत में भेजते हैं, बोले जाओ तुम जाकर के इनको समझाओ असली अर्थ में तुम्हारी घर कहाँ, असली पिता माता कौन, तुम्हारी असली परिवार कौन, जाकर समझाओ। इसलिए श्री व्यास देव, कल श्री व्यास देव का जन्मतिथि, कदि ये व्यास देव कौन है, कदि ये व्यास नारायण स्वयं, ये और कोई नहीं, ये भगवान नारायण स्वयं, जगतपति जगन्नाथ स्वयं ही जगत में ये व्यास रूप में आए और आकर के उन्होंने सारे ग्रंथ को उन्होंने रचना की है, जैसे वेद को रचना की, फिर समस्त पुराण को रचना की, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र उपनिषद को रचना की, फिर उन्होंने महाभारत को लिखे, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, मन में शांति नहीं मिली, बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे। एक दिन भगवत इच्छा से श्री नारद बाबा आए, जब नारद जी आए बिना बजाते बजाते बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। सब ताली बजाते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रानी जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी गिरधारी की जय बनवारी की जय गिरधारी की जय बनवारी की बोल कुंज बिहारी की जय 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 बोल कुंज बिहारी की जय 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 बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तब श्री नारद जी आए, ये नारद जगत गुरु है, ये सबका गुरु नारद है। जब नारद जी आए देखा व्यास देव बड़े दुखी, बोले बेटा दुखी क्यों, बोले गुरु जी मेरे समझ में नहीं आ रहे,
मैं तो जीव कल्याण के लिए वेद को विभाजन किया, उपनिषद लिखा, मैंने महाभारत भी लिख लिया, सब पुराण भी लिखा, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा है मेरे मन में शांति क्यों नहीं। गुरुदेव अब गुरु है ना, गुरु मतलब क्या है? बोले गुकार अंधकार रुकार तस्य निरतम। गु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब होता है प्रकाश। हमारे हृदय रूपी अज्ञान को जो दूर करके हमारे हृदय में जो प्रकाश कर दे, ये गुरु का काम। बोले अब तो गुरु है, अब सही नास पकड़ लिया। मैं दुखी हूँ अंदर से, मेरे को सुख नहीं। बोले क्यों? बोले पता नहीं, मेरे को ये बात पता नहीं चलता, सुख क्यों नहीं, आनंद क्यों नहीं, आप तो गुरु, आप ही बता सकते हो। तब नारद जी इसका रहस्य बताए। बोले देखे बेटा, बोले जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि बर जाय नो कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जैन वर्णित। देखो ध्यान देकर सुनो, ये नारद जी ये बात कह रहे, दुखी क्यों? हम भी संसार में दुखी है, कोई संसार में सुखी नहीं, संसार में सब दुखी, लेकिन सारा जीवन केवल एक चीज के लिए सारा जीवन लगा देते हैं। जीवन में सुख कैसे मिले, दुख जाए और सुख आए, जो कुछ हम करते हैं देखना उसका उद्देश्य देखना, दुख जाए और सुख आए, लेकिन जीवन में दुख जा ही नहीं रहे और सुख आ ही नहीं रहे। आप प्रैक्टिकल रूप में देख लेना, सामने कोई एक समस्या हमारी, हम सोचते हैं किसी तरह से समस्या हल हो जाए, संसार में शांति सुख मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देख लेना, वो एक समस्या तो गई नहीं, दूसरी समस्या खड़ी हो गई। फिर कोशिश करते जी जान लगा देते हैं कैसे ये समस्या दूर हो जाए, देखना दो समस्या गई नहीं, तीसरी समस्या सामने खड़ी है। मकड़े को देखा जाल कैसे बनाता है, वो जाल खुद बनाते बनाते ऐसे बुरी तरह से फंस जाता है, प्राण उसमें छोड़ देता है। हम भी जिंदगी भर केवल समस्या को दूर करने के लिए जिंदगी लगा देते हैं, करते करते अंतिम में मर जाते हैं, अंतिम समय मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये नारद जी क्या कह रहे हैं, क्यों दुखी है, इसका कारण वो कह रहे हैं। दुखी क्यों? बोले जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि परिज्ञान कीर्तित न तथा वासुदेव स महिमा जनिवर्तित। तुमने दूसरे दूसरे धर्म के बारे में जैसे बढ़ा चढ़ा कर बताए, खूब धर्म करो, खूब पैसा कमाओ, पैसा से खूब भोग करो, स्वर्ग तक भी जाओ, खूब तुमने ये बात को तो बता दी, लेकिन असली बात तुमने नहीं बताई, असली बात तुमने नहीं बताई। असली बात क्या है? कहते सबई बुंसा परो धर्म जत भक्ति रदक सजे। असली बात यह है, हम सबके सब भगवान के औलाद, अमृतस्य पुत्र, हम ठाकुर जी के बच्चे हैं। जब ठाकुर जी के बच्चे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? ठाकुर जी की भक्ति करना, ठाकुर को सेवा करना, ठाकुर का नाम लेना। जैसे हनुमान, हनुमान का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो हनुमान जी का नाम? आप बताओ हनुमान जी दिन भर करते हैं क्या, बताओ? यही तो करते हैं ना, दिन भर राम की सेवा करते हैं, राम के चरण में बैठे हुए, और दिन भर रघुपति राघव राज आराम पति तपावन, यही तो करते हैं हनुमान दिन भर। और तो क्या करते बताओ? राम सेवा, राम का नाम के बगैर क्या करते हैं? लेकिन अपना दुख तो गया और सारा दुनिया का दुख दूर करते हैं, सारा दुनिया का। तुलसीदास क्या करते, मीराज भाई क्या करती है, गोपियां क्या करती है, तुलसीदास जी करते हैं क्या? प्रभु का भक्ति किया था, प्रभु का भजन किया था, और क्या किया अपने जीवन में, इतना ही तो किया जीवन में। इसलिए यहाँ पर नारद जी कहते, तुमने दूसरे दूसरे धर्मों के विषय में जितने बढ़ा चढ़ा करके बताया ना, प्रभु की भक्ति के बारे में, प्रभु को प्रेम के बारे में तुमने नहीं बताया, क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश है। इसलिए जब तक वो ईश्वर की सेवा नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, भले ही जीवन में जो कुछ कर लो, जीव को शांति मिलने वाले नहीं। लेकिन हमारा क्या भावना जानते हो? अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा तो खुशी हो जाएगी। बताओ रावण जैसे पैसा कोई कमा सकता हो? जिनकी लंका ही सोना, हमने सुना गुजरों के पास बहुत सोना चांदी होता है, शादी में एक किलो सोना देते हैं। कितना किलो सोना तुम्हारी घर में? 2 किलो होगा, 10 किलो, 20 किलो, कितना किलो है? ठीक से बोल दो। देखो इससे तो ज्यादा नहीं होगा ना, इससे तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन रावण का लंका ही सोना, लंका ही सोना, बाथरूम उसका, लैट्रिन रूम उसका, किचन रूम बैठक सब सोना ही सोना, पूरा सोना, पूरा की पूरा लंका सोना था ना, सोने की लंका, इतने सोने की लंका रावण के पास में। और सोचते हैं अच्छी कोई बीवी मिल जाए ना, सुखी हो जाए, लेकिन उसको बीवी का नाम मंददरी। सुने के नाम मंददरी मतलब जानते हो? मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिस कमर बहुत ही पतली थी, वो विश्वकर्मा की बेटी है, वो सारे अच्छे अच्छे गुण देकर थी। एक पत्नी नहीं, जानते हो कितनी पत्नी थी?
जहां भी उसको सुंदरी से सुंदरी लड़की मिली, स्वर्ग लोक में तपलोक में जहां गद्दर बनी, जहां मिली उनको अप्सरा पकड़ पकड़ कर उसने अपना पत्नी बोला जोर जबर जहां सुंदरी मिली, रावण था ना पकड़ पकड़ो, और बेटा का नाम था मेघनाद, इंद्रजीत 1,25,000 जिसकी नाती, 1,00,000 पुत्र इतने। लेकिन अब रामायण पढ़ कर देखो, जब शंकर जी को रावण स्तुति करता है ना, उस लोग है बोले कदा सुखी भवा मैं अहम, हे भोले बाबा हम बड़े विचलित है, बताओ हे भोले बाबा कब हम सुख कथा कब कदा सुखी भवा मैं अहम, मतलब मुझे कब सुख मिलेगा, मैं शांति कब मिलेगा, मेरे हृदय बेचैन है, मेरे हृदय में शांति नहीं, सुख नहीं मेरे हृदय में है, सुख नहीं हृदय में। इसलिए कहते भैया ये जगत का वस्तु कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकता है। जैसे उदाहरण दिया, अच्छी तरह सुनो ये कथा सबको सुनाना, जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा के अंदर में तो तोता रहता है, आप तोते को मत खिलाया करो, 3 बार ये पिंजरा को पेंटिंग करते रहो, बताओ तोता जिंदा रहेगा ना मर जाएगा, मर जाएगा। ये चीज को समझ लो, इतना दिमाग में बैठ दो, ये शरीर हम ये पिंजरा है लेकिन इसकी अंदर में एक तोता बैठा हुआ है, कौन तोता है, ये परमात्मा ये आत्मा बैठा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये शरीर को तो ब्यूटी पार्लर में ले जाएंगे, वहां पर सजाएंगे, ये शरीर को तो जिम में ले जाएंगे, और ये शरीर को तो हम क्या करेंगे चवन प्रास खिलाएंगे, ये दिन भर ना शरीर को पेंटिंग करने में लगा हुआ, लेकिन अंदर में जो तोता बैठा है ना उसको प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं, ये शरीर को तो खिला दिया दाल रोटी सब्जी, लेकिन जो आत्मा बैठी हुई उसका भोजन क्या है, उसका भोजन ठाकुर का प्रेम, ठाकुर की भक्ति है, ठाकुर जी की प्रेम ठाकुर की भक्ति। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बारी मथे है ग्रीत सिकता ते बरुते बिनु हरि भजन न भव करियो, ये सिद्धांत अपेल। गोस्वामी तुलसीदास दावा करके कह रहे हैं भले पानी को मंथन करते करते घी निकाल दो, पानी से बिलोने पर कभी घी नहीं निकलेगा, भले रेती को पीस पीस करके तेल निकाल दो, रेती पीसने से तेल नहीं निकलेगा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई बोले हम भगवान की भक्ति भक्त पुत्र नहीं करता हम सुखी, कहते मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता ये बात को, बिना हरि भजन बगैर हरि के भक्ति के बगैर कोई सुखी रह सकता है, गोस्वामी जी कहते कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, जिसने बनाया खुद कहता है ये दुख का कारण, वो व्यक्ति उतना ही शांति सुख में रहेगा जो जितने प्रभु की तरफ में चलेगा, प्रभु की भक्ति की तरफ में जो चलेगा। देखो इसका प्रमाण देख लो अच्छे तरह से, जैसे यहां बैठे हैं अभी समझ लो, यहां बैठे हो संसार में हम दुखी है सबके तरह तरह से, लेकिन अभी कोई संसार का दुख तुम्हें याद क्या है, तुम्हें कोई संसार का दुख तुम्हें याद है नहीं, क्यों, जो भगवान की कथा सुनते है ना वो ठाकुर जी की गोद में बैठे हैं, वो बांके बिहारी की गोद में तुम बैठे हो, जो कथा सुन रहे हैं ठाकुर की गोद में बैठे हो तुम हो, अगर इसी समय में किसका मृत्यु आ जाए ना, जब तक ये कथा से तुम नहीं उठोगे तुमको यहाँ जब भी तुमको नहीं ले सकता है, क्यों, जो कथा सुनते हैं ठाकुर की गोद में बैठे हुए होते हैं, इतने कथा में प्रभाव है, लेकिन केवल ये कथा से ये गेट से बाहर निकलो सारे दुख पहाड़ रूप में सर पर आएगा, घर में जाने पर बहुत से व्यक्ति ने सास से लड़ाई है, पति को साथ दिए है, घर का समस्या, केवल ये गेट से पार करो ना पहाड़ रूप में, लेकिन जब तक ये कथा में बैठे हुए हो तब तक यहाँ पर दुख प्रवेश नहीं कर सकता, यम भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, क्यों, भगवान और उनकी कथा में कोई फर्क नहीं, अगर तुम घर में भी अगर ऐसे प्रभु की कथा करो भजन करो ना तुम्हारी घर ही वृंदावन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वृंदावन बन जाएगा तुम्हारी घर, अगर जिस घर में ठाकुर का कीर्तन पाठ हो भगवान की भजन कथा थी हो ना तुम्हारी घर ही भगवान की धाम बन जाएगी। हाँ, इसलिए भगवान ने श्री व्यास देव रूप में श्री नारद जी व्यास देव को कह रहे थे देख व्यास तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताओगे, जब तक भगवान की भजन नहीं करोगे, जब तक तुम भगवान की गुणगान नहीं करोगे ना तुमको शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम जीवन में शांति पाना चाहते हो क्या करो, हरि की गुणगान करो, हरि की कथा करो, हरि की महिमा को गाओ, जीवन में तुम्हें शांति सुख मिलेगा। कहते ये भागवत का सार क्या है, जैसे उन्होंने भागवत लिखे, कहते जो भागवत का जो सार है ना वो ठाकुर जी का नाम है, क्या है, ठाकुर जी की नाम है। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, देखो कहां से प्रारंभ करते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकूत भयम जोगिनाम निपर निर्नित हरे नामानुकीर्तनम,
प्रभु के नाम से शुरू हुआ। कहते अगर तुम जीवन में अभय बनना चाहते हो, अगर जीवन में तुम सुख शांति पाना चाहते हो जीवन में, हैं? श्री कौन कह रहे हैं यहाँ? सुखदेव गोस्वामी दास देव कहते, अगर जीवन में सारे सुख शांति जीवन में पाना चाहते हो, जितने ऋषि मुनि हुए, जितने शास्त्र हुए, जितने पुराण हुए, उन्होंने एक ही बात में बताए, केवल हरि का नाम कीर्तन करो। हरि का नाम कीर्तन करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। बस हो गया भक्ति। कलयुग में इतना सरल ठाकुर बोल दिए, कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं। हाथ में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, और मुंह से क्या करो ठाकुर जी की नाम जपो। हाथ में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, बस हो गया। और क्या उसमें थोड़ी कोई ज्यादा परिश्रम है? ज्यादा कोई परिश्रम है ही नहीं। इतने सरल उपाय बताया। जब भागवत समाप्त तो हो गया, जब भागवत विश्राम हो गया, भागवत समाप्त में देखो कौन सा श्लोक है, कहते नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम। इसलिए भागवत की ये समाप्ति का ये श्लोक है। क्या कहते हैं? बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, मतलब जब हम भगवान के नाम कीर्तन करते हैं हमारी समस्त पाप उससे नष्ट हो जाता है। हाँ? भगवान के कीर्तन से ही सारे पाप हमारी नष्ट हो जाएगा। जो भागवत का अंतिम श्लोक है, मतलब ये जितना शास्त्र है ना, वो सारे शास्त्र एक ही बात कहता है, अगर कोई भवसागर से तरना चाहते हो, जीवन में सुख और शांति पाना चाहते हो, क्या करो? ठाकुर जी की नाम को लो, ठाकुर जी की नाम लो। और देखो भगवान के नाम लेने के लिए ठाकुर ये भी नहीं कहते, भैया अगर तुम मेरा नाम लोगे ना तेरे को कुछ पैसा देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं अगर तुम मेरे नाम लोगे तुमको इतना पैसा। ठाकुर जी क्या बोलते हैं? नहीं बोलते, एकदम फ्री है। ठाकुर जी का नाम फ्री है, हैं? इतने भगवान सुलभ कर दिया, उठते बैठते रोग शोक कदे, यहाँ पर कहते हैं कि पवित्र अपवित्र ठाकुर जी कुछ भी नहीं देखे। ठाकुर जी कुछ भी नहीं देखे, बोले हर समय क्या करो? भगवान के नाम जप करो। प्रभु का नाम से ही परम शांति और परम सुख, ठाकुर जी के नाम। इसलिए व्यास देव का तिथि कल से, व्यास देव का जन्म तिथि, इसलिए अगर ये व्यास देव नहीं होते ना, हमको गीता भागवत रामायण कुछ भी पता नहीं चलता। अगर ये नहीं पता चलता हम भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते तो हमारा कल्याण नहीं होता। इसलिए हम सबके सब व्यास देव का चरण में ऋणी है। इसलिए कल व्यास पूर्णिमा है, इसलिए जिन्होंने आकर के ये वेद पुराण शास्त्र को जिसने रचना की और जगत में भगवान की भक्ति को प्रचार किया, इसलिए हम श्री व्यास देव के चरण में ऋणी है, हैं? ऋणी है। लेकिन अब ये प्रश्न होता है, फिर हम लोग अपना गुरु जी को क्यों पूजा करते हैं? गुरु जी को क्यों? कारण है, व्यास मतलब होता है विस्तार करना। व्यास मतलब विस्तार करना, हैं? मतलब व्यास देव जैसे समस्त ग्रंथ शास्त्र को विस्तार किया, हमारे गुरु भी आकर के यही काम करते। क्या करते हैं? गीता की बात सुनाते हैं, रामायण की बात सुनाते हैं, हमें भागवत की बात सुनाते हैं, वो भी गुरुदेव आकर यही काम करते हैं। इसलिए गुरुदेव को भी कहते हैं ये अभिन्न व्यास। गुरुदेव उसी परंपरा में आकर के वही व्यास देव का काम कर रहे हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन हम क्या करते हैं? सभी लोग अपना अपना गुरु जी के चरण की पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही हमें ये भक्ति प्राप्त हो। इसलिए क्या करो? हरिनाम करो, भजन करो, भक्ति करो, और जीवन में शांति और सुख में जीवन में रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। एक मिनट कीर्तन कर लेते हैं। हाँ, सबसे सब ताली बजाते हुए पीछे पीछे कीर्तन करो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सब पीछे पीछे ताली बजाते हुए बोलो, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
कृष्ण हरे। सब ताली बजाते कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे